अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता तथा प्रोफेसर गीत भट्ट ने पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि विगत 18 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में जो शिक्षक अपना योगदान देते हैं उनको चयनित करके पुरस्कार से सम्मानित करने के साथ साथ 1,00,000 रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। कल राजधानी भोपाल के रविन्द्र भवन में 3 प्रदेशों के 3 शिक्षकों को प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा नीति लागू करने के लिए संघर्षरत है, साथ ही 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को संपूर्ण देश में एक समान रूप से लागू किया जाए तथा इसकी विसंगतियों को दूर किया जाए और सेवानिवृत्ति आयु एक समान 65 वर्ष की जाए। इस प्रकार की लगभग 19 सूत्रीय मांग को लेकर यह संघ निरंतर सरकार से अपनी मांग करता चला आ रहा है। अखिल भारतीय शिक्षक सम्मान कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री सुरेश जी सोनी, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा। और इसके अलावा वाल्मीकि जो हमारा अखिल भारतीय समाज है उसके संत राज्यसभा सांसद आदरणीय बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, उनका संत सानिध्य हमारे रहेगा और 3 शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे देश भर में शिक्षकों के लिए काम करने वाला संगठन है और पिछले 36 वर्षों से एक सकारात्मक भूमिका में एक शिक्षक संगठन के नाते कार्य कर रहा है। और इसी में जो एक कड़ी 2015 से जुड़ी है वो है कि जो शिक्षक देश भर में काम कर रहे हैं उनमें से जिन्होंने अपने विषय को लेकर या समाज में शिक्षा के उत्थान को लेकर काम किया है उन्हें सम्मानित करना।